हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिटी एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ऐप फॉर थाईलैंड का एपिसोड 7। स्टार्टिंग से पहले अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा गोरिया रैन के लिए बहुत दुखी थी। वो उसे समझाती है कि वो बहुत ही प्रीशियस है। रैन गोरिया को गले लगा लेता है और दूर से ये थाइम सब कुछ देख रहा था। वो बहुत ही जेलस और गुस्से में दिख रहा था। गोरिया को एक बार तो शक होता है कि शायद रैन और उसे कोई देख रहा है, लेकिन थाइम वहाँ से जा चुका था। अब आगे हम देखते हैं कि थाइम बहुत ही गुस्से में था। वो केविन मैथस से भी बात नहीं करता। वहाँ तो बॉयज किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे थे कि वो लड़की कितनी भोली भाली और पागल है। मेरे एक रिप्लाई पर ही इतनी फ्रेंडली बन गई, बिल्कुल मैड गर्ल है। थाइम ये सुन लेता है। वो उन बॉयज से कहता है, तुम भी किसी गर्ल का मजाक बनाने में लगे हो। वो बॉयज कहते हैं, हाँ तुम्हें उसे क्या फर्क पड़ता है। वो थाइम को धक्का दे देते हैं। अब थाइम का टेंपर और भी बढ़ चुका था। वो उन दोनों को बहुत मारता है। केविन मैथस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थाइम किसी की नहीं सुनता और कहता है, जो मेरे आगे आएगा उनका भी इन्हीं बॉयज की तरह हाल होगा। थाइम उस बॉय को इतना मारता है जब तक कि वो अधमरा ना हो जाए। मैथस कहता है, जब थाइम इतने गुस्से में होता है तब कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब गोरिया और रैन भी वहाँ आ चुके थे। गोरिया थाइम की फाइटिंग रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तुम ये क्यों कर रहे हो। अब थाइम अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, केविन मैथस, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब F4 में 4 नहीं 3 मेंबर्स होंगे, यानी रैन अब F4 ग्रुप में नहीं होगा। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं। रैन थाइम का बचपन से फ्रेंड है, लेकिन गुस्से में थाइम उसे F4 से निकाल देता है। केविन मैथस थाइम को समझाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम सब इतने सालों से फ्रेंड्स हैं, हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही जाएगा। पर थाइम कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है, तुम मेरे अगेंस्ट जाओगे, रैन की साइड लेना बंद करो, मुझे ऐसे चीटर्स फ्रेंड्स पसंद नहीं है। अब थाइम गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। गोरिया थाइम को रोकने की कोशिश करती है। थाइम उसे उसका फोन लौटाते हुए कहता है, अब कौन सी बात कहने की कमी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब गोरिया समझ जाती है कि थाइम ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि रैन और वो साथ है। अब केविन मैथस रैन को कहते हैं, हमें नहीं पता तुमने क्या किया है, लेकिन प्लीज अब तुम ही थाइम को समझा सकते हो, उसे मना सकते हो। पर रैन भी उनकी बात को इग्नोर करता है और वो उस घायल बच्चे की हेल्प करने लगता है। केविन कहता है, पता नहीं अब कोई किसी की बात क्यों नहीं सुन रहा, सब अपनी मन मर्जी करने में लगे हैं। उधर थाइम गुस्से में सब कुछ तोड़ फोड़ रहा था। अब गोरिया उसके पास जाती है और कहती है, मुझे पता है मैंने तुमसे फोन के लिए झूठ बोला, मैंने रैन के बारे में नहीं बताया, मुझे उसके लिए माफ कर दो, पर प्लीज मेरी गलतियों की सजा रैन और बाकी बच्चों पर मत निकालो, अपने आप को कंट्रोल करो। अब थाइम उसे कहता है, ठीक है मैं उसे F4 ग्रुप में वापस ले लूंगा, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन एक बार मुझे ये कह दो कि तुम रैन से नफरत करती हो, बस एक बार। पर गोरिया ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। थाइम कहता है, तुम अभी भी उसको बचाने में लगी हो, उसकी इतनी परवाह होने लगी है तुम्हें। थाइम गोरिया पर भी हाथ उठाने वाला था, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। अंदर ही अंदर वो बहुत ही पेन फील कर रहा था। वो अब वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए गोरिया को कहता है, आखिर तुमने उसको चूज कर ही लिया। गोरिया भी अब बहुत परेशान हो चुकी थी। अब हम टिया को देखते हैं। वो थाइम के स्कूल में डायरेक्टर से बात कर रही थी। दरअसल थाइम ने गुस्से में जिस बॉय को मारा था उसके पेरेंट्स ने थाइम के खिलाफ रिपोर्ट कर दी थी, जिसे टिया कवर करने की कोशिश कर रही थी। डायरेक्टर उसे कहते हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन थाइम की फाइटिंग वाली वीडियो नेट पर वायरल हो चुकी है, उसे हम कैसे हटाए। अब थाइम को बस उसी वीडियो से खतरा है। तभी हम देखते हैं वो फाइटिंग की वीडियो नेट पर से गायब हो जाती है। एक्चुअली थाइम की मोम की पावर बहुत ज्यादा है, वो थाइम की हर गलती किसी न किसी तरीके से कवर देती है। अब वहाँ उनके मैनेजर आते हैं, जो डायरेक्टर को चेक देते हुए कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैडम ने सब कुछ संभाल लिया है, आपसे बस अपना काम करिए। अब टिया को बताते हैं कि मैम अब थाईलैंड आ चुकी है। टिया ये सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि अब उसकी मॉम कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी जिससे थाइम और कोरिया अलग हो जाए। अब हम थाइम को देखते हैं। उसके हाथों में कोरिया का वही टॉवल है जो उसने फर्स्ट एड पर यूज किया था। थाइम ने कोरिया के कारण अपनी बुरी हालत कर ली थी, उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तभी उसकी मोम वहाँ आती है, जो थाइम को डांटते हुए कहती है, तुमने इस बार गलतियों की हद पार कर दी, मैंने तुम्हें कह रखा है कि तुम जो भी करो वो कभी भी कैमरा वीडियो फोटोज की निगरानी में नहीं होनी चाहिए। थाइम कहता है, क्या आपने कभी मेरी चिंता की है। उसकी मोम कहती है, क्यों नहीं, मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र होती है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे कारण अभी हमारी कंपनी कितनी लॉस में गई है। थाइम कहता है, आपको मेरी नहीं अपने बिजनेस की चिंता है। अब उसकी मॉम कहती है, तुम हमेशा मुझे डिसअपॉइंट करते हो। वो उसे कोरिया की पिक्चर देते हुए कहती है, मुझे पता है ये सब इस गर्ल के कारण हो रहा है, स्टार्टिंग में मुझे लगा था तुम फिर से कोई गेम खेल रहे हो, लेकिन नहीं तुमने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। देखो कोरिया को भूल जाओ और पहले वाले थाइम बन जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे सब कुछ हैंडल करना होगा, तुम्हारा भी हाल टिया की तरह हो सकता है।
दरअसल टिया भी पहले किसी को लाइक करती थी, लेकिन उसकी मॉम ने बिजनेस के फायदे के लिए टिया की जबरदस्ती किसी और से वेडिंग करवा दी। अब थाइम और भी दुखी हो चुका था, उसे कोरिया की अब और भी चिंता होने लगी थी। उधर हम कोरिया को देखते हैं जो फ्लावर शॉप पे थी। वहाँ उसके ओनर कहते हैं थाइम के पास कितना पावर है। अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर उसके फाइटिंग की वीडियो डाली गई थी, लेकिन अब सब कुछ गायब हो चुका है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अब सब के सब F4 के टूटने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि सालों की दोस्ती इतनी आसानी से टूट गई। लेकिन कोरिया और कैनिंग तो अपनी ही दुनिया में गुम थी। कोरिया तो कैनिंग और थाइम दोनों के लिए दुखी थी, और कैनिंग अपने बॉयफ्रेंड टेस्ला के लिए दुखी थी। वो अभी भी टेस्ला को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टेस्ला ने उसको अब तक कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। अब उनके ओनर कैनिंग को समझाते हैं, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट ब्रेकअप है, लेकिन इतना सैड मत हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो कोरिया को कहते हैं तुम थाइम के कारण अपने आप को कोसना बंद करो, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी। अब आगे वो कहते हैं चलो आज मैं शॉप जल्दी क्लोज करता हूँ और तुम दोनों कहीं बाहर जाकर अपना मूड फ्रेश करो, इतना सैड फेस बनाकर मत रखो। तभी वहाँ रैन भी आ जाता है। वो कहता है लगता है शॉप बंद हो चुका है, इस हिसाब से कोरिया अब तुम फ्री हो। वो कोरिया को अपने साथ लेकर जाता है। उधर थाइम अपने घर पर था। वहाँ केविन मैथस उसे समझाते हैं कि तुम्हें रैन से बात करनी चाहिए, वो हमारा बचपन का फ्रेंड है। अब वे थाइम को मीरा वाली न्यूज दिखाते हैं और कहते हैं मीरा के कारण ही रैन इतना सैड है और तुमने जरूर उसे गलत समझ लिया है। पर थाइम उस टैप को फेंक देता है। केविन उसे कहता है प्लीज रैन के कारण हमें इग्नोर मत करो, हम भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हम अब तुम्हें कितना समझाएं। थाइम अभी भी बहुत ही गुस्से में था। वो कहता है तुम लोग अपने काम से काम रखो, मुझे तुम्हारी कोई भी एडवाइस नहीं चाहिए, तुम दोनों बस बकवास करे जा रहे हो। ये सुनकर केविन मैथस को बहुत दुख होता है। अब थाइम अपने मेड को कहता है इन दोनों को बाहर निकालो और ध्यान रखना कोई भी आउटसाइडर दोबारा ना आ पाए। मैथस थाइम को कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, पर केविन भी अब गुस्से में आ चुका था। वो कहता है मैथस अब थाइम को समझाने की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए अब अजनबी बन चुके हैं। केविन वहाँ से जाने लगता है। मैथस भी अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो केविन को कहता है क्या तुम सच में F4 को टूटते हुए देख सकते हो, प्लीज हमें लास्ट बार एक कोशिश जरूर करनी चाहिए F4 को जोड़ने की, तुम रैन को समझाओगे और मैं थाइम को समझाऊंगा। केविन भी अब मान जाता है, लेकिन वो कहता है हम ये सिर्फ इस बार ही करेंगे, इसके बाद अगर कोई नहीं मानेगा तो हम सब अलग अलग हो जाएंगे। अब हम रैन को देखते हैं। वो कोरिया को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था, वहाँ टेबल पर सोया से ही बनी हुई सारी डिशेस थी। कोरिया कहती है ये सोया मिल्क, सोया आइसक्रीम, ये सब क्या है। रैन ये सब तुम्हारा फेवरेट है क्या। रैन कहता है अरे नहीं मैं तो सोया से एलर्जिक हूँ, मुझे लगा तुम्हें सोया बहुत पसंद है क्योंकि पहले तुम हाना के साथ सोया मिल्क ड्रिंक करती थी। अब आगे कोरिया कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे। रैन कहता है तुम्हारा स्ट्रेस खत्म करने के लिए क्योंकि तुम मुझे बहुत टेंस लग रही थी। कोरिया कहती है मुझसे ज्यादा तो टेंस तुम हो, पहले मीरा और अब थाइम दोनों के कारण। चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब कोरिया और रैन कई जगह घूमते हैं, कई गेम्स खेलते हैं, वे दोनों उस टाइम को बहुत एंजॉय कर रहे थे। उधर थाइम अपने रूम में उदास बैठा था, उसका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। अब केविन कोरिया से मिलने के लिए फ्लावर शॉप पर जाता है। वहाँ कैनिंग उसे बताती है कि रैन और वो तो डेट पर गए हैं। ये सुनकर तो केविन शॉक्ड हो जाता है। वो मैथस को कहता है देखो हम सब कुछ ठीक करने में लगे हैं और यहाँ ये दोनों डेट पर गए हैं, और कोरिया भी रैन के साथ इतनी आसानी से चली गई, मैं अब कुछ नहीं करने वाला, सबके सब एंजॉय करने में लगे हुए हैं। मैथस उसे कहता है तुम्हें रैन से बात करनी होगी। अब वो कैनिंग को कहता है मुझे पता है तुम कोरिया के बारे में जानती हो कि वो अभी कहाँ पर होगी, सो प्लीज केविन को भी उसी जगह पर लेकर जाओ, इसे वहाँ कुछ खिला पिला देना ताकि इसका दिमाग ठंडा हो जाए, इतनी जल्दी थक जाता है। केविन मैथस को मना करता है, लेकिन मैथस भी जिद पर अड़ जाता है और केविन को उसकी बात माननी पड़ती है। अब हम कोरिया को देखते हैं, वो रैन से कहती है कितने दिनों बाद मुझे घूमकर शांति मिली। रैन कहता है क्यों, थाइम के साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कोरिया कहती है नहीं, पता है उसके साथ अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मस्ती करने नहीं किसी जंग में जा रही हूँ। कभी वो बर्ड से, कभी कैनिंग के बॉयफ्रेंड से, हमेशा वो फाइटिंग करता रहता है, वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। ये कहते कहते कोरिया सैड हो जाती है क्योंकि उसे थाइम की याद आने लगी थी। रैन कहता है तुम थाइम के बारे में बात करते हुए बहुत खुश लग रही थी। कोरिया कहती है नहीं मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, देखो उसके बिना यहाँ सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। रैन उसे प्यार से कहता है क्या सच में तुम अच्छा फील कर रही हो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें थाइम और मुझ में से किसी एक को चूज करना हुआ तो तुम किसको चुनोगी। कोरिया ये सुनकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, वो वहाँ से जाने का बहाना करती है। तभी उसका फोन गिरने ही वाला था, जिसे रैन और कोरिया दोनों पकड़ने लग जाते हैं और वे दोनों काफी पास आ गए थे।
पर कोरिया अभी भी थाइम की यादों में खोई हुई थी। वो उसको बहुत मिस कर रही थी। अब कैनिंग कोरिया को कॉल करके अपने पास बुलाती है। कैनिंग भी केविन के साथ एक रेस्टोरेंट में थी। वहाँ वो बहुत ही सैड थी क्योंकि टेस्ला ने अब तक उसको एक भी रिप्लाई नहीं दिया था। केविन उसे देखकर समझ जाता है कि कैनिंग जरूर ब्रेकअप के कारण दुखी है। वो उसे कहता है तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से टेस्ला को नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है और वो तुम्हें चीट कर रहा है। पर कैनिंग उसकी बात नहीं मानती और कहती है नहीं टेस्ला ऐसा इंसान नहीं है, वो तुम्हारी तरह प्लेबॉय नहीं है। तभी वो बाहर देखती है कि टेस्ला किसी और गर्ल के साथ है। वो देखकर कैनिंग का दिल टूट जाता है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। वो रेस्टरूम के बहाने वहाँ से जाने लगती है। केविन उसके पास जाता है और कहता है सच में तुम बहुत ही मासूम हो। कैनिंग कहती है तुम फिर से मुझे टीच करने लगे। अब केविन उसे संभालता है और उसकी रोते ही पिक्चर लेने लगता है और कैनिंग उसे बार बार रोकती है, लेकिन केविन उसका मूड चेंज कर ही देता है और उसके चेहरे पर स्माइल ला ही देता है और कहता है तुम रोते ही अच्छी नहीं लगती, चलो अब हमें कुछ फिनिश करना है जो भी अधूरा है। अब रैन और गोरिया भी मॉल में आ चुके थे। गोरिया सोच रही थी कि कैनिंग ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। रैन कहता है मुझे तो लगता है ये सब मैथस का प्लान है। तभी गोरिया टेस्ला को देखती है, टेस्ला किसी और गर्ल के साथ था। ये देखकर गोरिया को बहुत गुस्सा आता है पर रैन उसे रोकता है। आगे हम देखते हैं कि टेस्ला की गर्लफ्रेंड उसे एक बैग खरीदने को कहती है जो बहुत ही एक्सपेंसिव था। तभी वहाँ केविन जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद है। वो उसके पसंद का बैग पैक करवा देता है और उसे कहता है अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम और भी बैग चूज कर सकती हो। ये सुनकर टेस्ला गुस्से में आ जाता है। वो कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों बहका रहे हो, मैं कभी इसे जाने नहीं दूंगा। और उसकी गर्लफ्रेंड तो केविन की तरफ खींची चली जाती है और उसे प्यार से कहती है क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा ही फ्री हूँ। टेस्ला अपनी गर्लफ्रेंड को डांटता भी है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उल्टा उसी को सुनाने लगती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। अब टेस्ला उसे बुरा भला बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। अब केविन उस गर्ल से कहता है वैसे थैंक्स इस बैग को चूज करने के लिए क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कौन सा वाला गिफ्ट में दूँ। ये सुनकर तो वो लड़की शॉक्ड हो जाती है क्योंकि केविन ने तो चालाकी से उसका ब्रेकअप भी करवा दिया, वो भी इतने बुरे तरीके से। अब वहाँ कैनिंग टेस्ला को देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी। तभी केविन उसके पास आता है और उसे प्यार से कहता है सॉरी देर से आने के लिए मेरी स्वीट हार्ट। और टेस्ला की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम इसे जानती हो। टेस्ला तो कैनिंग को उसके साथ देखकर बिल्कुल हैरान था। अब कैनिंग कहती है मैं नहीं जानती इसे, चलो हम कहीं और जाते हैं। अब टेस्ला उनको गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश करता है ये कहते हुए कि ऑफर के सारे ही मेंबर मिडिल क्लास गर्ल के पीछे पड़े हैं। वो कौन सा था, हाँ थाइम, वो तो बिल्कुल प्यार में पागल है, गोरिया के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। मैंने जब उसके बारे में कहा तो वो तो बिल्कुल ही गुस्से में आ गया और फाइटिंग करने लगा। ये सुनकर गोरिया और केविन दोनों ही गुस्से में आ चुके थे। अब गोरिया टेस्ला के पास जाती है और कहती है तुमने क्या कहा अभी। टेस्ला कहता है अच्छा है तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे जैसी लो क्लास गर्ल पैसों के पीछे कुछ भी कर सकती है, F4 के सारे मेंबर बेकार हैं। अब गोरिया उसे एक जोरदार किक मारती है और कहती है थाइम मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने जो तुम्हारे साथ किया वो तो तुम्हारे आगे बहुत कम है, उसे तो तुम्हारी हालत और भी ठीक करनी चाहिए थी, और मैं मिडिल क्लास गर्ल हूँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ और तुम थाइम की बराबरी कभी नहीं कर सकते, मेरा बॉयफ्रेंड सबसे बेस्ट है, मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। टेस्ला तो गोरिया से बिल्कुल डर चुका था और केविन रैन गोरिया की बातों से बहुत प्राउड फील कर रहे थे और बहुत इम्प्रेस भी थे। तभी वहाँ मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं जिसे देखकर गोरिया वहाँ से भागने लगती है। अब हम थाइम को देखते हैं, वो सुबह से ही अपने रूम में उदास बैठा था और मैथस उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। तभी रैन थाइम को कॉल करता है और थाइम गुस्से में रूम से बाहर निकलता है, वो कहीं जाने लगता है। मैथस के पूछने पर वो बताता है कि रैन ने उसे स्कूल में बुलाया है, उसे कुछ सॉल्व करना है। टिया भी ये सुन रही थी, वो भी थाइम के लिए बहुत चिंता में थी। अब हम देखते हैं F4 के सारे मेंबर स्कूल के स्टेडियम में हैं। वहाँ थाइम बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। तभी वो रैन से कहता है मुझे माफ करना, एक लड़की के कारण मैंने तुम्हें F4 से बाहर किया। गोरिया अब तुम्हारी है, मैं उसे प्यार नहीं करता, तुम्हें उसके लिए परफेक्ट हो, वो तो मेरे लिए एक नॉर्मल गर्ल थी और एक लड़की के कारण मैं अपनी दोस्ती टूटते हुए नहीं देख सकता। तभी रैन उसे कहता है वैसे मुझे पता है कि गोरिया सिर्फ मेरी है, वो तुम्हें कभी प्यार करती भी नहीं थी, वो तो आज भी मुझे लाइक करती है, पर तुम्हें पता है वो मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट की चीज है जिससे मैं खेलता हूँ और वो तो बस अमीर लड़कों को फंसाना जानती है। गोरिया बिल्कुल लो क्लास गर्ल है, मैं तो उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। रैन थाइम को बहुत गुस्सा दिलाता है और थाइम भी बहुत गुस्से में आ चुका था। वो रैन से फाइट करने लगता है और कहता है तुम गोरिया के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। अब मैथस थाइम को रोकता है तो थाइम उसे पंच करता है और केविन मैथस के पास जाता है तो मैथस उसे पंच करता है। पूरा F4 फाइटिंग में लग जाता है, चारों फ्रेंड एक दूसरे से फाइटिंग करने में लग गए।
गए थे। उधर कोरिया को तो इनकी फाइटिंग का कुछ पता भी नहीं था। वो थाइम के लिए एक मैसेज लिख रही थी कि थाइम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मुझे टेस्ला की असलियत पता चल गया है। वो मैसेज सेंड करने ही वाली थी तभी टिया उसे कॉल करती है और उसे F4 की फाइटिंग के बारे में बताती है। अब कोरिया भी स्कूल के लिए निकल जाती है। उधर F4 फाइट करते करते थक चुके थे फिर भी लड़ाई में लगे थे। रैन कहता है थाइम मान जाओ, तुम कोरिया की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, वो तो मेरी है। अब थाइम कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी केयर करता हूँ, मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता और तुम इस तरह के इंसान हो मुझे आज पता चला, मैं कोरिया को इंसल्ट होते हुए कभी नहीं देख सकता। अब रैन हंसने लगता है और कहता है मैं तो ये सब झूठ बोल रहा था तुमसे सच उगलवाने के लिए, अगर मैं ये सब नहीं करता तो तुम कभी एडमिट नहीं करते कि तुम कोरिया से प्यार करते हो। ये सुनकर सारे हैरान थे। थाइम कहता है मेरे एडमिट करने से क्या होगा। रैन कहता है तुम्हें नहीं पता लेकिन कोरिया भी तुमसे बहुत प्यार करती है, आज जब मैं उसे बाहर कर गया था वहाँ पूरे दिन वो बस तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही थी, वैसे इतने दिनों बाद हमने फाइटिंग की है तुम्हें कैसा लग रहा है। थाइम कहता है बहुत दर्द हो रहा है। अब रैन कहता है देखो अब कोरिया तुम्हारी है, तुम पहले वाले थाइम कभी मत बनना और अगर तुमने कोरिया को कभी दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब चारों फ्रेंड एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, तभी कोरिया वहाँ पहुंच जाती है। थाइम सोचता है लगता है कोरिया मेरे लिए चिंता में है, मुझसे प्यार से कुछ कहेगी, लेकिन कोरिया उसकी चिंता करने की जगह उसे मारने लगती है और डांटते हुए कहती है तुम अपने ब्रेन का यूज क्यों नहीं करते, हमेशा फाइट में लगे रहते हो। केविन उसे कहता है प्लीज अब तुम भी हमें मत मारो, हमने सब कुछ सुलझा लिया है लेकिन अब तुम्हारी पारी है। रैन कोरिया को कहता है बता दो अपनी फीलिंग्स थाइम को, जो तुमने मॉल में कहा था कि तुम थाइम से कितना प्यार करती हो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। कोरिया कहती है नहीं नहीं वो तो बस मेरे मुंह से निकल गया था, मेरा मतलब बॉयफ्रेंड से नहीं था। थाइम कहता है क्या सच में तुमने मुझे बॉयफ्रेंड कहा था, यानी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। कोरिया कहती है नहीं ये सब झूठ है। दोनों इस बात पर फिर से लड़ने लगे थे। उधर बाकी फ्रेंड्स वॉक करते हुए घर जाने लगते हैं। मैथस कहता है केविन तुमने मुझे बहुत जोर से मारा था। केविन कहता है तुम्हें तो स्टार्ट किया था, मैं वैसा करना नहीं चाहता था। अब ये दोनों रैन से कहते हैं तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया, क्या आइडिया लगाया तुमने थाइम को समझाने की, वैसे क्या सच में तुम फाइट करना चाहते थे। रैन कहता है हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बचपन में थाइम ने मेरा डॉल फाड़ दिया था, उसी का बदला अभी तक बाकी था। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं कि रैन अपने डॉल के लिए फाइट कर रहा था, वो अपने किंडरगार्टन की बात आज तक नहीं भूला। उधर कोरिया थाइम की चोट पर मेडिसिन लगाती है। थाइम पूछता है वैसे आज तुम्हें रैन के साथ घूमकर कैसा लगा। कोरिया कहती है बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा मुसीबत में पड़ जाती हूँ। थाइम कहता है क्या कह रही हो तुम। कोरिया कहती है बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब आगे कोरिया टेस्ला वाली बात पर उससे माफी मांगती है। अब थाइम उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुमने मुझे कितना बदल दिया, पहले मैं कितना हॉरिबल था। अब वो कोरिया को बाहर लेकर जाता है, वहाँ वो कहता है तुम्हें पता है हर कोई सोचता है कि मैं बचपन से ही पावरफुल हूँ, मैं सबसे अलग हूँ क्योंकि इतने पावरफुल रिच फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, बचपन से आज तक हर कोई मुझे यही सिखाते गया कि मुझे हमेशा पावरफुल बनकर रहना है, लेकिन असलियत में तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरी पावर कम ना हो जाए और इसीलिए मैं दूसरों को डराने लगा, उनके लाइफ से खेलने लगा। मुझे लगा था कि अगर मैं एक स्कूल को रूल कर सकता हूँ तो प्रामा ग्रुप यानी अपने बिजनेस को भी रूल कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं तुमसे मिला मुझे अपनी गलतियों का रियलाइज हुआ, तुम पहली इंसान थी जो मेरे खिलाफ खड़ी हुई थी, अब मैं कभी भी पहले जैसा नहीं बनना चाहता, मुझे पहले वाले थाइम से नफरत है जो हमेशा वायलेंस करता रहता था, दूसरों को टॉर्चर करता था। गोरिया अब मैं कभी भी पहले जैसे फाइटिंग नहीं करूंगा और ना अब कभी रेड कार्ड का गेम होगा, तुमने मुझे बिल्कुल बदल दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम इस थाइम को एक्सेप्ट करो ना कि प्रामा ग्रुप के थाइम को। गोरिया कहती है मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत ही सही डिसीजन लिया है। अब थाइम स्टेडियम को पूरी तरह सील कर देता है ताकि कोई भी स्टूडेंट यहाँ दोबारा ना आए और कोई फाइटिंग ना करे। वो गेट पर लिखता है नो एंट्री, लेकिन थाइम थाई लैंग्वेज में बहुत ही वीक है इसलिए फिर से उसकी स्पेलिंग गलत थी। गोरिया उसे डांटते हुए कहती है थाइम तुमने नो एंट्री की जगह एंट्री लिखा है, इससे यहाँ वायलेंस कम होने की जगह और भी बढ़ जाएगा। अब कोरिया उसे ठीक करने लगती है पर थाइम उसे कहता है अरे प्लीज तुम अब क्या कर रही हो, देखो मैंने कितना सुंदर लिखा है और तुम बिगाड़ने लगी। और कोरिया उसे समझाती है कि तुमने पूरा गलत लिखा है। अब अगले दिन स्टार्ट हो चुका था, कोरिया अपना फोन देखते हुए घर जा रही होती है, वहाँ थाइम उसे कई मैसेज कर रहा होता है कि मेरी क्यूट गर्लफ्रेंड क्या तुम घर पहुँच गई। और कोरिया उसे हंसते हुए कहती है मैं कितने बार कहूँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, वो मैंने गलती से बोला था। अब कोरिया
जैसे अपने घर में एंट्री करती है वहाँ वो देखती है कि थाइम की मोम वहाँ आई हुई है और वो बहुत ही गुस्से में दिख रही थी। अब थाइम की मोम वहाँ क्या करने वाली है, वो कोरिया से क्या कहेगी और कोरिया क्या करेगी, अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।